क्या डॉक्टर साहब? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। सब कुछ तो ठीक है, मेरी मानो तो इसे किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। तो आपके कहने का मतलब ये है डॉक्टर कि पारस पागल हो गया? आप तो भगवान के लिए चुप्पी हो जाओ भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ पारस को, समझे आप? मुझे लगता है कि हमें पारस को किसी अच्छे ओझा या तांत्रिक को दिखाना चाहिए। इसे जरूर किसी अभिशप्त आत्मा ने जकड़ लिया है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि जब कोई आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती है तो वो पागल हो जाता है। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एक बहुत बड़े और पहुंचे बाबा को जानता हूँ जिन्हें मैं यहाँ कल बुला लेता हूँ। अगर कोई भी बला हुई तो उसे ठीक कर देंगे। अरे आप अच्छे पढ़े लिखे लोग हो, आप इन सब बातों में विश्वास करते हो? इसे किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, किसी हो जाए तांत्रिक को नहीं। हाय डॉक्टर साहब। चंचल तुम भी अब चलो, इसके पास तो श्यामू है ना, इसे भी आराम करने दो। चलो चंचल, और श्यामू तुम ध्यान से सुनो, तुम पारस को छोड़कर एक पल के लिए भी कहीं नहीं जाओगे, समझ गए? ठीक है मालिक, समझ गया। चलो चंचल आ जाओ। डॉक्टर साहब पारस को हुआ क्या है, आखिर ये बीमारी कैसी है? ये सब मेरी समझ से बाहर की बातें हैं। एक बार हॉस्टल में भी पारस को ऐसा ही दौरा पड़ा था और उसके बाद अपने आप ठीक भी हो गया था। मैंने वहाँ भी मैनेजर साहब को कहा था कि इसे एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। क्या उन्होंने तुम्हें कुछ बताया नहीं? नहीं, उन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया, उल्टा उन्होंने पारस को हॉस्टल से निकाल दिया। मैटर सीरियस है, पर तुम इतनी लापरवाही मत दिखाओ और इसे जल्दी ही किसी एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाकर इसके सारे चेकअप कराओ। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। सूरज डॉक्टर साहब को छोड़ो। हाँ डॉक्टर साहब। बस बस रहने दो। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, आप जानबूझ के अपने ही पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मारना चाहते हो? आपको नहीं पता उसे पागल करने के लिए मैंने कितने लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। माना कि तुम चतुर व चालाक हो मेरी जान, मगर हम भी उस्तादों के उस्ताद हैं। अगर वो जिंदा रह गया तो हम सबको कंगाल कर छोड़ देगा, लेकिन मैं उसे तिल तिल करके मरता हुआ देखना चाहता हूँ। लेकिन वो बाबा का चक्कर? वो बाबा, बाबा उसे ठीक नहीं करेगा, बल्कि उसका ऐसा इलाज करेगा कि किसी को हम पर शक भी नहीं होगा और हमारे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। वाह, ये है मेरी हवेली और ये है गार्डन। जब मुझे वो खजाना मिल जाएगा, मेरे पास करोड़ों रुपया आ जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसी हवेली बनाऊंगा। और ये होगा यहाँ। ये क्या कर रहे हो बापू? कुछ नहीं बेटा, वो एकदम नई और ठोस प्लानिंग। बस करो बापू, कहते थे मेरी प्लानिंग बहुत ठोस है, एक तो जेल जाते जाते बचे, ऊपर से ये दिनू का बच्चा पता नहीं कहाँ जाके मर गया है। आपकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। अरे तू चिंता मत कर बेटी, मैं इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। तू तो अच्छी तरह जानती है ना कि तेरे बापू के भेजे में 163,789 छिद्र हैं। अब कौन से छिद्र थे, कौन सा फार्मूला निकला है, ये तो सिर्फ अमीर चंद ही जानता है ना। इस बार मैंने दीनू को पकड़ने के लिए 2,00,000 रुपये इनाम की घोषणा की है। उसके बाद इनाम के लालच में लोग उसका पता बता देंगे, और तू नहीं जानती एक बार उसका पता चल जाए मैं उसके साथ क्या क्या करूंगा। बापू इस शुभ कार्य में देर कैसी, आज अभी इसी वक्त कर दो ना बापू। हाँ क्यों नहीं, अरे मैं अभी जा करके उसके नाम के पोस्टर छपवा देता हूँ। हाँ, लेकिन पहले चाय तो पी के जाता हूँ। पी लो बापू। मैं अभी पी लेती हूँ।
बिस्कुट भी अब नहीं छोड़ूंगा उसको, ऐसे चबा जाऊंगा। बम बम भोले, बम बम भोले, कौन है, कहां है, कैसा है? जैसा था वैसा ही है। मेरा मतलब कौन हो तुम और मेरी बिना इजाजत के अंदर कहां जा रहे हो? हम हैं फट फट बाबा। तो फिर मैं क्या करूं? बाहर जाओ, भिखारियों के अंदर आना मना है, जाओ। खामोश बदतमीज, जो हमें भिखारी समझता है। तो फिर तुम कौन सी चीज हो? हम चाहे तो तुझे खड़े खड़े यही चूहा बना सकते हैं। अच्छा, तो तुम जादूगर हो, हैं? तमाशा दिखाना है तो फिर सर्कस में जाओ। यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ आए नहीं, हमें बुलाया गया है। तो मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? हमें तुम्हारे साहब बानू साहब ने बुलाया है पारस का इलाज करने के लिए। मुझे नहीं पता आपको मालिक ने बुलाया, मुझसे गलती हो गई। जी अंदर जाइए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, पहले कान पकड़ कर हमें सूट मार। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। कहता है पारस बाबा का इलाज करने आया है। ढोंगी, पाखंडी, इतने बड़े हाथी को चूहा बनाना चाहता है, है? मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि फटफट बाबा अब तक आए क्यों नहीं। आपने कहा भी था उनसे आने के लिए। अरे भाई, मैंने तो कहा था और मैं तो खुद जाकर एडवांस भी देकर आया था। उन्होंने तो मुझसे वादा किया था कि वो यहाँ अवश्य आएंगे। समझ नहीं आता वो अब तक आए क्यों नहीं। बम बम भोले, बम बम भोले। आइए महाराज, आइए। प्रणाम बाबा, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो तुम यहाँ आ गए। मैं भी देखता हूँ कि कौन किसका इलाज करता है। अनार्थ, घोर अनार्थ। एक नहीं, दो नहीं, इस घर में तो कई अभिशाप आत्माएं निवास करती हैं।